हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय आपका 4 है, 3 नहीं, यहाँ पर ये आपका क्या रहेगा, अध्याय 4 है जनन स्वास्थ्य। और ये दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज एक ही क्लास में जो है अध्याय 4 यानी जनन स्वास्थ्य सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ एक क्लास में हम बताने वाले हैं। और ये इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसी में से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में भी बनेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जितना बताते चले उतना आप सभी को करते चलना है, इतना अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो इस वाले अध्याय से आपको इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें दोस्तों हमने पूरा अध्याय मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं कि पूरे अध्याय का हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज हम बताएंगे। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने बच्चे हैं इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, जहाँ तक हो सके स्कूल कॉलेज अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए इस क्लास को। और जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल पहली बार आए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी जो है आप लोग दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है क्लास का इंपॉर्टेंट का वो सब आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहे। साथ में दोस्तों आप सभी की जबरदस्त तैयारी करने के लिए यानी 2023 की तैयारी करने के लिए हमने एक व्हाट्सएप पर दूसरा टेलीग्राम दो ग्रुप बनाया हुआ है, एक मैथ का होगा और एक बायो होगा, ठीक है। तो बायो वाले में आप जुड़ जाइएगा। और दोस्तों ये ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का भी लिंक, व्हाट्सएप का भी नंबर दिया गया है। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या किसी भी सब्जेक्ट किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार दोस्तों आप सभी शेयर करके आ जाइए, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इस अध्याय में, ध्यान सुनिएगा, अध्याय 4 में जो है जनन स्वास्थ्य में अगर बात कर लेते हैं, जनन स्वास्थ्य में, ठीक है। तो जनन स्वास्थ्य की दोस्तों अगर बात करें तो इसमें जो है आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन ना के बराबर पूछा गया है और अति लघु उत्तरी भी ना के बराबर पूछा गया है। तो हमने क्या किया है कि बहुविकल्पी और अति को जो है यहाँ पर हमने छोड़ दिया है। हाँ, आने वाले समय में हम कुछ इसमें अगर इम्पोर्टेंट दिखेगा तो आने वाले समय हम फिर से बता देंगे, बट अभी तक इसमें हमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगा जो कि आप लोगों को बताना चाहिए या देना चाहिए, ठीक है। तो हमने वही सेलेक्ट किया हुआ है जिसको आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर लघु उत्तरी प्रश्न दो अंक वाले से हम लोग शुरू करेंगे और विस्तृत तक जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ध्यान सुनेगा, ये दो अंक में आपसे पूछा जाएगा और इसमें भी दोस्तों हमने दो ही क्वेश्चन यहाँ पर भी सेलेक्ट किया, मतलब कि मान के चलिएगा कि वही 4 से 5 क्वेश्चन टोटल इस अध्याय में ही इंपॉर्टेंट आपके लघु के और विस्तृत के, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए। देख सकते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात करें दोस्तों चैप्टर का नाम ही जनन स्वास्थ्य है तो इसके बारे में थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरीके से आपको अच्छे से पता हो जाएगा। रोग के बारे में ही, जनन स्वास्थ्य के बारे में ही यहाँ पर बताया गया, ये चैप्टर ही यही है। तो थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो भी आप इसके बारे में लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, इसके बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें कहा है, क्वेश्चन फर्स्ट है कि किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन कौन से आपको उपाय अपनाने चाहिए। तो बहुत से उपाय अपना सकते हैं, जैसे कि जिसमें यौन संचारित, ध्यान सुनिएगा, यौन संचारित, जैसे कि आपका रोग में क्या हो गया, यौन संचारित से होने वाले रोग जैसे एड्स हो गया, HIV, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं कि यौन संचारित है, यानी कि संबंध बनाने की वजह से ये रोग एक दूसरे में क्या होते हैं, फैलते हैं, यानी ब्लड टू ब्लड क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, यौन संचारित रोग। तो इसी के बारे में पूछा है, जैसे कि हमारा क्या होता है, एड्स होता है, ठीक है। एड्स हमारा कौन सा रोग है, यौन संचारित रोग है। तो उसके बारे में, उससे हम कैसे बच सकते हैं, वही आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि सहवास के दौरान कोंडम का प्रयोग करें, ठीक है। सेकेंड है ऑप्शन कि समलैंगिकता से दूर रहें, और तीसरा है आपका परगामी व्यक्ति से यौन संबंध ना बने। परगामी का मतलब है कि जैसे कि पराय व्यक्ति से संबंध ना बने, जिसके बारे में हमें क्या जानकारी ना हो कि वो व्यक्ति कैसा है, हो सकता है कि उसको वो रोग हो और हमें पता ना हो, ठीक है। ये सब क्या है, इसमें सावधानियां हमें रखनी पड़ती है। जैसे कि इसमें अगला है आपका कि वेश्यावृत्ति से दूर रहें। पांचवा है आपका किसी भी प्रकार की यौन समस्या होने पर कुशल चिकित्सक से परामर्श लें। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम लगती है कि हाँ इस तरीके से, तो इससे बचने के लिए क्या है कि हमें डॉक्टर की परामर्श लेना चाहिए, ठीक है। छठा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि अनजान व्यक्ति से यौन संबंध ना बनाए, यानी जिसके बारे में अगर हमें पता ना हो उनसे हमें यौन संबंध ना बनाए। इन सभी से हम क्या कर सकते हैं कि यौन संबंध रोगों से जो है होने से क्या बच सकते हैं, ठीक है। तो ये सब
चीज़ें हैं, दो चार पॉइंट आप आसानी से लिख सकते हैं या आप जनरली तौर पर बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं कि जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण है, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन और 2019 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो जनसंख्या विस्फोट के बारे में आप लिख सकते हैं कि इसमें आपको लिखना, पहले आप क्या लिखेंगे, जनसंख्या विस्फोट हेडिंग डालेंगे, इसमें आप लिखेंगे कि विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकेंड या प्रति सेकेंड या 2 लाख व्यक्ति जो है प्रतिदिन या 60 लाख व्यक्ति प्रतिमा या लगभग 7 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, यानी जनसंख्या की ये दर बताया गया है। आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, यह मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वांछित कमी न आने के कारण यह होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या लिखेंगे, जनसंख्या विस्फोट, यानी कि अगर विश्व की आबादी की बात करें तो 2 व्यक्ति क्या होते हैं, प्रति सेकंड पैदा हो रहे हैं, और 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं, 60 लाख व्यक्ति ये प्रति माह मतलब 1 महीने में 60 लाख व्यक्ति। ठीक है, और 7 करोड़ जो है प्रतिवर्ष यहाँ पर जनसंख्या प्रतिवर्ष दर से बढ़ रही है, यही है क्या हमारा जनसंख्या विस्फोट है। आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि जनसंख्या में वृद्धि एवं उसके कारण आपको बताना है, तो बहुत सारे कारण आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के निम्न बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आपके स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आ गई, यानी कि दोस्तों अब क्या है कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे उपकरण आ चुके हैं जिससे कि मृत्यु दर में क्या हो गई, कमी हो गई है। सेकेंड आप पॉइंट लिख सकते हैं कि जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का होना, यानी कि जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का होना भी एक कारण है। तीसरा आप लिखेंगे कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है, यानी कि जैसे कि पहले व्यक्ति बहुत किसी न किसी रोग से मरते थे, लेकिन अब क्या है कि उन लोगों को बचाने में काफ़ी हद तक यहाँ पर क्या है, चिकित्सा बहुत बड़ा रोल निभा रहा है, तो यानी कि मृत्यु दर इस तरीके से भी क्या होगी, कमी होगी। अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान न होना और परिवार नियोजन के तरीकों को पूर्ण रूप से न अपनाया जाना, ये भी इसका आप कारण बता सकते हैं, जैसे कि पहले क्या लोग अशिक्षित थे, तो बच्चा कब पैदा करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, ये सब नहीं पता था, जिससे कि मृत्यु दर में क्या होती थी, बढ़ोतरी होती थी। लेकिन अब क्या सब लोग शिक्षित हो गए हैं, सबको पता है कब बच्चा पैदा करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए और कब क्या कैसे करना चाहिए, वो सब सबको पता है, इसलिए क्या है कि मृत्यु दर में क्या हो गई, यहाँ पर कमी हो गई है। ठीक है, पांचवा पॉइंट आप लिखेंगे कि वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि का होना, यानी कि दोस्तों पहले बहुत लोग क्या होते थे, भूखमरी के कारण भी मर जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि यहाँ वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति इतनी ज़्यादा हो गई है कि खाद्यान्न यानी कि उत्पादन में क्या हो गया, बढ़ोतरी, जैसे कि चावल गेहूं ये सब क्या हो गई, अब क्या हो इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो बढ़ रही है, तो हर व्यक्ति को जो है खाने के लिए आसानी से सब कुछ मिल जा रही है, जिसकी वजह से क्या है कि भुखमरी से भी कोई व्यक्ति यहाँ पर अब नहीं मर रहा है, तो ये भी कारण इसका आप बता सकते हैं। अगला पॉइंट आप बोल सकते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा अनेक महामारियों का समूल रूप से निवारण भी आप बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगला पॉइंट बोलेंगे कि निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन व्यक्ति यह विश्वास करते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करके अधिक धनोपार्जन करेंगे। अगला पॉइंट करेंगे सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में दंपति संतान उत्पन्न करते रहते हैं, यानी कि दोस्तों आपने गांव में भी देखा होगा कि जिन व्यक्ति को 2 या 3 बच्चियां हो जाती हैं, यानी कि पुत्री हो जाती हैं, तो वो बच्चे के चाह में यानी कि पुत्र के चाह में भी जनसंख्या को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये भी कारण आप लिख सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन अति लघु उत्तरी सॉरी लघु उत्तरी सेकेंड टाइप में हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है इस चैप्टर से। इसके बाद हम लोग चलते हैं लघु उत्तरी प्रश्न 3 अंक वाले पर, और इसमें हमने लघु उत्तरी 3 वाले में सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया हुआ है लघु उत्तरी 3 अंक वाले में, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना चाहिए। क्वेश्चन आपसे बना सकता है कि मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए, यानी कि यौन संबंधी जैसे कि आपका क्या हो गया एड्स कैसे उत्पन्न होता है, ये इसका क्या लक्षण होना चाहिए, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताने, और ये क्वेश्चन जो है 2019 के एग्जाम में आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट में है। ठीक है, और एक ही क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, तो बहुत सारे आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोग जो है, तो इन्हें लैंगिक संचारित रोग भी कहते हैं,
ये लैंगिक संसंगर या प्रजनन मार्ग से संचरित होती है, यानी जैसे कि बच्चा जो पैदा करता है, जैसे एड्स फैलता है ना, उसी तरीके से इसको क्या बोलते हैं कि प्रजनन मार्ग से जो है ये क्या होती है, संचारित, यानी कि ये फैलती है रोग। जैसे में आप यहाँ पर ले सकते हैं कि एक रोग है, ठीक है, यहाँ पर क्लेमायडियोसिस है, ठीक है, ये क्या है कि सर्वाधिक रूप में अपनाए जाने वाला जीवाणु है, ठीक है, जनित एसटीडी है। यह रोग क्लेमाइडिया ट्रेक्रोमीटस नामक जीवाणु से क्या है, होता है। संक्रमित व्यक्ति तथा संक्रमित व्यक्ति के साथ जो है यौन संबंध बनाने से इस रोग का संचारण होता है। इसका उद्भवन काल जो है 1 सप्ताह का जो है होता है, यानी 1 सप्ताह में ये हो जाता है, ठीक है। तो ये रोग है, इसके बाद दोस्तों इसका लक्षण क्या है आप लिख सकते हैं, या फिर इसके बदले में आप चाहे तो एचआईवी यानी एड्स के बारे में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लक्षण में इस रोग में पुरुष के शिश्न से गाढ़े मवाद जैसा स्राव होता है तथा मूत्र त्याग में अत्यंत क्या होती है, पीड़ा होती है, यानी कि पेशाब करने में जो है क्या होती है, पीड़ा महसूस होती है। स्त्रियों में इस रोग के कारण गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय व मूत्र नलिकाओं में प्रदाह होता है। उपचार न होने पर यह क्या होती है, श्रोणि प्रदाह रोग में परिवर्तित होकर बाध्यता का कारण बनता है। एक रोग आप ये दिखा सकते हैं दोस्तों। सेकंड आप रोग इसके बारे में लिख सकते हैं, आप यौन संबंधित रोग में आपका सेकंड आ जाता है सुजाक। सुजाक कैसे होता है ये आप पढ़ सकते हैं, इसका उद्भवन काल क्या होता है, 2 से लेकर के 10 दिन ये होता है। लक्षण इसका आप यहाँ पर बता सकते हैं कि कैसे इसका लक्षण है। जैसे इस रोग का प्रमुख लक्षण यूरोजेनिटल पथ की श्लेष्मा कला में अत्यधिक जलन होना, रोग रोगी को मूत्र त्याग के समय जलन महसूस होती है, इस तरीके के ये क्या इसके लक्षण है आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा आपका रोग में एड्स आ जाता है, ठीक है। तो एड्स के बारे में आपको पता है, आप पढ़ सकते हैं इसका लक्षण क्या होता है ये भी बता सकते हैं। तो दोस्तों इसमें 4 से 5 आप यहाँ पर देना चाहे तो आप आसानी से आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका आ जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके 3 अंक में ही है, ठीक है, दो नहीं एक नहीं दो क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है कि सहायक जनन तकनीकी को परिभाषित कीजिए। वंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियाँ भी आपको यहाँ पर बतानी है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपति वंध्य हैं, अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद वे बच्चा पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं जो कि शारीरिक, जन्मजात, रोगजन्य, औषधिक, प्रतिरक्षात्मक और यहाँ तक कि वे मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। भारतवर्ष में प्रायः दंपतियों में बच्चा पैदा न होने का दोष स्त्रियों को ही दिया जाता है, जबकि प्रायः ऐसा नहीं होता है। यह समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयों, ठीक है, नैदानिक जांच में सहायक हो सकती है और इनमें कुछ विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चा पैदा करने में मदद दे सकती है। फिर भी जहाँ ऐसे दोषों को ठीक करना संभव नहीं है, वहाँ कुछ विशेष तकनीकी का द्वारा प्रयोग करके बच्चा पैदा करने में यहाँ पर मदद किया जा सकता है। यह तकनीकें क्या कहलाती हैं, सहायक जनन प्रौद्योगिकी तकनीकी कहलाती हैं, ठीक है। जैसे में अब यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि बंद दंपतियों को संतान उत्पत्ति करने में सहायता, यानी कि अगर जिनको बच्चा नहीं पैदा हो रहा है तो उसको क्या है कि इनको क्या है कि वैज्ञानिक तरीके से भी बच्चा पैदा किया जा सकता है। जैसे कि पहला पॉइंट डाल सकते हैं परख नली शिशु, ठीक है, परख नली शिशु, यानी इसके अंतर्गत शुक्राणु अंडाणुओं का इन विट्रो निषेचन कराया जाता है, तत्पश्चात भ्रूण को समान स्त्री के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। स्त्री के गर्भ में गर्भकाल की अवधि पूर्ण होने पर समान रूप से शिशु का जन्मजात होता है, यानी परख नली शिशु द्वारा भी हम पैदा कर सकते हैं बच्चे को। युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण के द्वारा भी कर सकते हैं, अंतःकोशिकीय द्रव्य शुक्राणु वेधन के द्वारा भी कर सकते हैं। एक कृत्रिम गर्भाधान होता है, इसका नाम आपने सुना होगा, इसका प्रयोग उन पुरुषों पर किया जाता है जिनमें शुक्राणुओं की कमी होती है। इस विधि में पुरुष के वीर्य को एकत्रित करके स्त्री की योनि में स्थापित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त निसंतान दंपति या अनाथ या आश्रयहीन बच्चों को कानूनी रूप से गोद भी ले सकते हैं कृत्रिम गर्भाधान के अंतर्गत। तो ये 2 क्वेश्चन दोस्तों आपके 3 अंक में पूछ सकते हैं, और विस्तृत में हमने 1 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है। विस्तृत में यानी आपके जो 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें हमने 1 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है
कि जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जन्म नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन आपको करना। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण कैसे हम कर सकते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण में हम कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं कि शिक्षा की सुविधाओं का अगर हम विकास करते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण पर हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं, रोकथाम कर सके, क्योंकि हम लोग शिक्षित रहेंगे तो हमें पता है कि कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये हम कर सकते हैं, यानी जनसंख्या को हम रोक सकते हैं। बच्चों की संख्या का निर्धारण भी हम इसी के तौर पर कर सकते हैं। विवाह योग्य आयु में वृद्धि, यानी कि दोस्तों अगर हम शिक्षित रहेंगे तो विवाह की जो आयु काल होती है, यानी कि कम से कम 21 वर्ष के बाद जो है, या फिर इसको हम लोग बढ़ा करके 23 से 25 वर्ष हम लोग करके इस जनसंख्या वृद्धि को क्या है, रोक सकते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि गर्भपात को ऐच्छिक एवं सुविधापूर्ण बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसके तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या को रोक सकते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों का तालमेल, यानी कि दोस्तों ग्रामीण यानी गांव में इसके बारे में अच्छे से कार्यक्रमों के माध्यम से बताना चाहिए लोगों को, कि जो अशिक्षित व्यक्ति वो भी इसके बारे में जान सके और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सके। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कृषि एवं उद्योग के उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, तो कृषि एवं उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि की वजह से भी इसे हम लोग क्या जनसंख्या को क्या रोक सकते हैं। अगला है सातवां है आपका कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में वृद्धि एवं सुधार के वजह से भी रोक सकते हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाएं, यानी परिवार कल्याण जो कार्यक्रम है गांव में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए ताकि सबको पता चल सके, और आकाशवाणी दूरदर्शन ऐसे माध्यमों पर भी परिवार कल्याण के बारे में भी बताना चाहिए, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे और जनसंख्या को हम क्या कर सकते हैं कि एक तरीके से रोका जा सके। ठीक है, आगे दोस्तों आपसे पूछा था कि परिवार नियोजन की विधियां क्या है, जिसमें कि गर्भ निरोधक क्या है, इसके बारे में आपको बतानी है। तो ये यहाँ पॉइंट है कि बंध कारक या नसबंदी के द्वारा। ठीक है, परिवार नियोजन की विधियों में एक पहला आपका है नसबंदी, इसके बारे में। तो दोस्तों इसमें आप पहला क्या हो सकता है, नसबंदी। ठीक है, यानी कि दोस्तों परिवार नियोजन की विधियां में पहला आपका नसबंदी, इसके बारे में आप कुछ लिख सकते हैं। कोंडोम का प्रयोग करेंगे तो भी इसमें वही है कि यह एक पतली झिल्ली होती है, पुरुष संभोग के समय इसे लिंग पर चढ़ा लेता है, इस प्रकार वीर स्त्री की योनि में न जाकर के कोंडों में ही रह जाता है। इस तरीके से क्या है, ये सब क्या है, परिवार नियोजन की विधियां हैं, जिसे हम गर्भ निरोधक। ठीक है, ये सब इसमें विधियां आप लिख सकते हैं इसके बारे में, या गर्भ निरोधक गोलियां खा करके भी इसे रोक सकते हैं, अंतस गर्भाशयी यंत्र के द्वारा, या फिर दोस्तों बाधा विधियों के द्वारा भी हम रोक सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कई पॉइंट हैं, यानी कि दो यहाँ पर अगर बात करें तो परिवार नियोजन की कई विधियां, तो इसको आप लोग देख यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लोग कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आज के सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो है आप इतने क्वेश्चन को आप इस अध्याय से तैयार कर लीजिएगा और ये पूरा चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। यानी कि दोस्तों इकाई जो आपका फर्स्ट था, जिसमें कि तीन चैप्टर आपके आते हैं, पहला अध्याय आपको पहला अध्याय जो आपका था वो इस बार सिलेबस में आपको पढ़ना नहीं, दूसरा तीसरा और चौथा आपको पढ़ना था, और इससे आपके 14 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। कल हम लोग दोस्तों आएंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे, और अगला चैप्टर जो भी होगा, ठीक है, सिलेबस देखने के बाद पता चलेगा कि अगला चैप्टर कौन सा है, शायद 5 है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका इंपॉर्टेंट देखना शुरू करेंगे। तो दोस्तों क्लास को समाप्त करते करते दोस्तों अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक, और हाँ बहुत सारे बच्चे शेयर करते हैं, बहुत सारे बच्चे शेयर नहीं करते हैं, तो सभी जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं जो चैनल से जुड़े हुए हैं, आप ज़रूर आप इस क्लास को जो है शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल में हर जगह आप शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों को पता चल सके कि इम्पोर्टेंट क्लास शुरू हो चुका है। और आने वाले समय में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी के भी बीच बीच में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको सेलेक्ट करके बताते चलेंगे, उतना आपको करते चलना, उतना ही आप कर लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारे प्यारे बच्चे चैनल से नहीं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके घंटी को आप लोग दबा दीजिएगा और आल पर क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों व्हाट्सअप और टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से जाकर के जुड़ सकते हैं। साथ में दोस्तों बहुत सारे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट के दिए गए, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपके प्लेलिस्ट भी दिए गए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख सकते हैं वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।